Hey girls, welcome back to my channel and this nude makeup look I create on my birthday night. मुझे मेरी बर्थडे पे कोई बोल्ड सा मेकअप लुक नहीं चाहिए थी तो मैं इस न्यूड मेकअप लुक क्रिएट करी है। तो चलो डायरेक्ट मेकअप की तरफ चले जाते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे मेरी हेयर्स को टाइट कर रही हूँ ताकि मुझे मेकअप करने में कोई दिक्कत ना हो। आज मैं ऑफ कैमरा मेरी स्किन केयर की क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कम्प्लीट कर लिए थे एंड अभी मैं यूज़ करी इनसाइड की प्राइमर, इसे मैं अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। फर्स्ट मैं मेरी आई मेकअप को कंप्लीट कर लूँगी। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एलेगर्ल की ऑरेंज कंसीलर। ब्रश की मदद से इसे ब्लेंड करने के बाद मैं एक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, इसे मैं अच्छी तरह से ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी एंड देन ग्लैम 21 की कॉम्पैक्ट से इसे भी से। अब आई शेडो की तरफ चले जाते, इसलिए फर्स्ट मैं इस शेड को एंड देन इस दोनों शेड को मिला कर मैं अप्लाई कर रही हूँ एज माई ट्रांजिशन शेड। अभी मैं आई मेकअप में डेप्थ लाने के लिए थोड़ी इस डार्क शेड को अप्लाई कर लूँगी। अभी आई मेकअप में थोड़ी और डेप्थ आने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में मैं इस ब्लैक कलर को लूँगी एंड अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अभी मैं मेरी फिंगर में थोड़ी सी कंसीलर लेके मेरी आई की मिडिल पोर्शन में अप्लाई करूँगी एंड देन हल्के हाथों से इसे ब्लेंड करके एंड देन इस लाइट कलर को लेके मैं जहाँ पे मेरी कंसीलर अप्लाई करी थी करूँगी। मैं यहाँ पे फर्स्ट मेरी फिंगर की मदद से अप्लाई कर रही हूँ एंड देन ब्रश की मदद से थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर लूँगी ताकि कोई लाइन विजिबल ना हो। लाइनर के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की इंस्टा लाइनर, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट लाइनर है। अभी फेस मेकअप की तरफ चले जाते हैं, इसलिए फर्स्ट मैं यहाँ पे ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेरी यूजुअल प्लेसेस पे एंड देन इसे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। आज मैं पहले आईब्रो फिलअप करना भूल गई थी तो मैं अभी आईब्रो को फिलअप कर लूँगी। मैं जस्ट फिलअप ही कर रही हूँ, कोई ज़्यादा नहीं किया है। फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की फोटो फोकस फाउंडेशन एंड गाइस फाउंडेशन ज़रूर नेक और ईयर्स पे भी लगाना, नहीं तो अच्छी नहीं लगती। अभी मैं मेरी यूजुअल प्लेसेस पे हाईलाइट करने के लिए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इसे भी मैं ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। अभी मैं इसे थोड़ी सी कॉम्पैक्ट की मदद से सेट कर लिए है। कॉन्ट्रोल के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ निकट की कॉन्ट्रोल पैलेट एंड आज मैं बहुत ही हल्का कॉन्ट्रोल कर रही हूँ। अभी मैं फेसेस कैनाडे की मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ एंड देन इसे मैं एक स्पॉन्ज की मदद से डैब डैब मोशन में सेट कर लूँगी। देन मैं हाइलाइटर के लिए स्विस ब्यूटी की हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क की इंटेंस क्रियॉन इन द शेड पैशनेट प्लम M404। आज मैं लिपस्टिक के लिए थोड़ी सी डार्क शेड ही ली है क्योंकि आज मेरा फेस मेकअप और आई मेकअप बहुत ही न्यूड है तो मैंने सोचा थोड़ी सी डार्क शेड लूँ एंड देन उसके ऊपर मैं थोड़ी सी हाइलाइटर यूज़ करी है और उसकी रिजल्ट आप देख ही सकते हो। अभी अंडर आई मेकअप की तरफ चले जाते, इसलिए मैं मेरी वाटर लाइन पे फर्स्ट ब्लू हेवन की ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मेबलिन न्यूयॉर्क की द क्लॉसिल ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। मास्कारा के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क की द क्लॉसिल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटर प्रूफ मास्कारा एंड इट इज़ द फाइनल लुक।